Good morning, students. This is your EVS class. Today, in this class, we will do activity number 4. Earlier, you have done water cycle. The process of water cycle you have seen. Now next one is activity number 4. You have already done activity 1, 2, and 3. Now the activity 4 is rain gauge and its use. Beta, what is rain gauge? I must tell you first. Rain gauge is an instrument which is used for recording the rainfall. Matlab, rain gauge ek instrument hai jiska use hum log kyun karte hain? Hum logon ko jab pata karna hota hai ki aaj kitni barish hui hai. है ना कितनी कितनी ज़्यादा कितनी तेज़ बारिश नहीं कितनी ज़्यादा बारिश हुई है मतलब क्वांटिटी उसकी पता करनी है. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ग्लास में मैंने पानी डाल दिया है तो आपसे मैं पूछूँ मैंने आपके ग्लास में कितना पानी डाला है तो यू कैन मेजर दैट वाटर लेवल इन द ग्लास एंड टेल मी सर यू हैव पोर्ड दिस मच ऑफ वाटर इन माई ग्लास. So in the same way, this rain gauge is also used for measuring the quantity of water during a rainfall. Now, I will read it for you. This activity has the aim to measure how much rain falls every day. रोज़ कितनी बारिश होती है. तो आज मान लो 10 सेंटीमीटर हुई है, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और हो सकती है, परसों कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना. तो इसी तरीके से हमें पता करना है कि रोज़ कितनी बारिश होती है. सो मटेरियल यूज्ड, हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या टूल्स हैं. अ बॉटल, अ प्लास्टिक फनल एंड अ स्केल. ये जो आप डायग्राम में ये प्लास्टिक फनल जो देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल शेप का जो प्लास्टिक फनल ऊपर रखा हुआ है ना, दैट दिस इज़ दी प्लास्टिक फनल. इसका यूज़ होता है कि वाटर को कलेक्ट करके बॉटल में डालना, ठीक है. नाउ मेथड इज़ पुट द फनल इन द बॉटल, प्लेस इट इज़ एन ओपन स्पेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज़. हम बिल्डिंग्स और ट्रीज से क्यों दूर रखते हैं, क्योंकि उस जिसकी वजह से पानी रुके ना. अगर हमने किसी पेड़ के नीचे इसको रख दिया तो आपको लगता है क्या पूरा पानी इसमें आ सकता है, क्योंकि पेड़ तो कुछ पानी रोक लेगा बारिश का, तो पूरा पानी तो आ नहीं सकता इसमें. तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कर पाएंगे कि कितनी बारिश हुई, ठीक है. सो ऑब्जर्वेशन विल बी द रेन वाटर विल कलेक्ट इन द बॉटल, बारिश होगी और बारिश का पानी इस फनल के थ्रू इस बॉटल में कलेक्ट होने लगेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो. सेकेंड वन इज़ मेजर इट्स हाइट विद अ स्केल वंस एवरी डे एट द सेम टाइम. और हम इसमें देखो स्केल पहले से ही बना होता है. ये रेन गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें स्केलिंग हुई होती है. जो आपका स्केल है उस पर सेंटीमीटर की मार्किंग है ना, तो वैसी सेम मार्किंग इस बॉटल में रेन गॉज में भी है. फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, और यू कैन से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर्स, ऐसे इसमें मार्किंग हुई है. फिर उसमें जितना पानी भरता जाएगा तो जो लेवल पानी जहाँ तक पहुँचेगा तो उस जगह पे जो मार्किंग होगी, हम कह सकते हैं कि इतना पानी आज बरसा है. नाउ थर्ड वन इज़ द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेज एवरी डे. अच्छा, अब रोज़ पानी बरसेगा, तो जो एक दिन पहले बरसा मान लो 10 सेंटीमीटर बरसा, अब दूसरे दिन कुछ और पानी बरसा और उसका लेवल 10 से 15 सेंटीमीटर पहुंच गया, ठीक है. अब पानी का टोटल लेवल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर. लेकिन किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए कि दूसरे दिन कितनी बारिश हुई, तो मैं उससे ये कहूँगा जो पहले दिन बारिश हुई थी 10 सेंटीमीटर और जो टोटल है इस समय जो दिख रहा है वो 15 है, तो जो पहले दिन हुई थी उसको माइनस कर दो 10 को 15 में से, तो जो बाकी बची यानी 5, यानी वो 5 सेंटीमीटर दूसरे दिन बारिश हुई है. इसको मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ. वेट फॉर वन सेकेंड, वन मिनट, आई विल शो यू द वीडियो, आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो नाउ. यस, यू कैन सी अ फनल.
this is a bottle. There is a funnel inside it. Now in this funnel यहाँ से बारिश हो रही है और जो बारिश का पानी आ रहा है वो इसमें जाकर नीचे कलेक्ट हो रहा है. नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है. ठीक है, ये बारिश का पानी कलेक्ट हो गया. यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये सब सेंटीमीटर्स में. तो पहले जब बारिश हुई वो कितनी हो गई, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये लेवल 20 आ रहा है ना, 20. सो 20 सेंटीमीटर रेनफॉल इज़ देयर. नाउ यू कैन सी आफ्टर, दिस इज़ वन डे, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे. नाउ सेकेंड डे व्हाट हैपेंस, अगेन रेनफॉल इज़ देयर. सेकेंड डे फिर बारिश का पानी आ रहा है और वो 30 सेंटीमीटर तक पानी भर गया है. टोटल कितना भर गया है, 30 सेंटीमीटर तक भर गया है. लेकिन फर्स्ट डे कितना भरा था, 20 सेंटीमीटर, और दूसरे दिन के बाद कितना हो गया टोटल, 30 सेंटीमीटर. सो एक्स्ट्रा कितना हुआ है, यानी सिर्फ एक्स्ट्रा ये हुआ है ना, इतना बस. ये 20 से 30 तक कितना हो गया डिफरेंस, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ है. सो जो सेकेंड डे जो बारिश हुई है वो 10 सेंटीमीटर हुई है, और फर्स्ट डे कितनी बारिश हुई है, 0 से 20, यानी 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेजर द रेनफॉल एवरी डे. ओके, सो द कंक्लूजन ऑफ दिस इज, बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग अ डे. So children, you can also try this at home because this is a rainy season. Now and then the rainfall is there. So whenever there is a rainfall, you can do this activity, or you can do it by your by pouring the water from above also. ठीक है, you record that with the help of a scale. You all have a scale. Record that with a scale. And pour the water from the above, from any source, from tap से. टैप से भी आप पानी गिरा सकते हो. थोड़ा सा पानी गिराओ, उसके बाद मेजर करो, उसके बाद फिर से पानी गिराओ, फिर मेजर करो कितना हुआ. तो वो फर्स्ट डे का हुआ, सेकेंड डे का हुआ, फिर से और पानी गिराओ तो फिर माइनस करके बताओ कि थर्ड टाइम का कितना हुआ, फोर्थ टाइम का कितना हुआ. तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एंड शो मी इन द क्लास सेशन. ओके स्टूडेंट्स, so we will move forward to the exercise chapter. Yes, evaporation, the process by which water changes into water vapor on heating, that is evaporation. Condensation, I have already told you, the process by which water vapor changes into water on cooling is condensation. Condensation का ही मैंने वो आपको एक्टिविटी में बताया था ना, प्रोसेस जो आप वाटर हीट कर रहे थे और उसके ऊपर आपने प्लेट लगाई थी तो प्लेट पर भी कुछ पानी की बूंदें आ गई थी, दैट इज़ कंडेंसेशन. देन वाटर वेपर्स, द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वाटर जब गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको वाटर वेपर कहते हैं. ठीक है, वाटर साइकिल, द साइकिल ऑफ चेंज ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. मतलब वाटर अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है, पहले वाटर होता है, फिर भाप बनता है, फिर से लिक्विड बनता है या सॉलिड भी बन जाता है या एज अ स्नोफॉल में, और वो वापस फिर से ज़मीन पे आता है और फिर से वो भाप बनता है, फिर से वो वाटर बनता है, फिर से लिक्विड बन के वापस आता है. तो ये सारा जो चेंज है फॉर्म ऑफ वाटर का इन नेचर, दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज एक्सरसाइज A, exercise B, exercise C,
and there is question answers. There is a group activity also. Enjoy your ice lollies. You can do this at home if you want to make some ice candies or ice lollies. And there is also one exercise like life skills. At the end, you have to tick against the action that does not involve wastage of water. मतलब इनमें से ये आठ एक्शंस दे रखे हैं, आठ चीज़ें सेंटेंस लिखे हुए हैं. इसको पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि किस में पानी का गलत उपयोग नहीं हो रहा है. जिसमें नहीं हो रहा है उसमें आपको टिक लगाना है, जिसमें हो रहा है उसमें आपको टिक नहीं लगाना है. ठीक है, या आप उसको क्रॉस कर सकते हो. सो आई विल गिव यू द स्नैपशॉट्स ऑफ all these exercise afterwards. I have these snapshots of this. I will give you in the class session. Till then, you can complete this activity number 4 and show me the pictures. You click okay students, and rest, if you don't know anything, please ask me again of all whole of whole chapter, about whole chapter you can ask me, even the chapter first topic, wonderful liquid, sources of water, water cycle, all these activity 1, 2, 3, 4. Theek hai, any word, anything, any process, any activity you don't understand, please ask me. So thank you children, we will do the exercise of the chapter. And I will post you the question answers of this. Answer the following questions in writing. I will give you the snapshots. So you have to complete it in your EVS copy. Exercise C, you have to do it in your EVS copy. Rest, exercise A, B, you have to do in book itself. And you have to draw diagrams also. You have to draw diagrams of this water cycle in front of question answers, and I will give you the hard words also in writing. I will give you the snapshot of hard words. Now you have to draw this activities diagram also in EVS copy, activity 1, activity 2, and there is no activity 3 diagram, leave it, then activity 4 diagram. So this diagram 1, 2, 3, and 4. These 4 diagrams you have to draw. Okay, students. Thank you. If you don't understand anything, please ask me in the group. Thank you.